तुम बताओ इस मॉनेस्ट्री का नाम? इस मॉनेस्ट्री का नाम है जोनन टाक्टिन हुनस्तोक। हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो ये वीडियो जो है ये सेकंड पार्ट है संजौली का। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट संजौली का नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाकर आप फर्स्ट पार्ट देखिए गाइस, बहुत मज़ा आया। और संजौली को शिमला का मिनी मॉल रोड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे मार्केट्स होते हैं। जैसे शिमला के मॉल रोड में है वैसे यहाँ भी बहुत सारे मार्केट्स हैं। तो इन्जॉय करिए गाइस, और सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और चलिए हम जर्नी शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप संजौली पहुंचोगे तो आपको मार्केट से दिखाई देंगे, और मार्केट में ही आपको दूर से डिंगू माता मंदिर भी दिखाई देगा। जैसे आपने मेरे इस वीडियो क्लिप में देखा होगा, पार्ट वन में मैंने दिखाया है आपको, तो उसी वे में आपको मंदिर और मॉनेस्ट्री दोनों देखने को मिलेगा। सो गाइस, ये पिक्चर्स हमने डिंगू माता मंदिर के बाहर की तरफ हमने लिया था, और हम उसके बाद मॉनेस्ट्री की तरफ बढ़ रहे थे। तो गाइस, इस मॉनेस्ट्री का नाम द मेन जोनन ताक्तेन फुनसोक चोलिंग है, और ये संजौली में एकदम माउंटेन के ऊपर है। तो गाइस, ये यहाँ का मॉनेस्ट्री है संजौली का। यहाँ पर पेंटिंग वेंटिंग चल रहा है। देखिए, मेरे हस्बैंड अंदर आए हुए हैं। मैं भी जा रही हूँ अंदर उनके साथ। आप लोग यहीं पे रहो, हाँ, चप्पल खोल के आओ। स्टैचू है, और साथ में गुरु रिंपोचे की स्टैचू है लेफ्ट पे, और दलाई लामा जी की, इस होल में दलाई लामा जी का फोटो भी है। और यहाँ पे पेंटिंग्स अगर आप देखेंगे, थांका पेंटिंग्स, इतने पुराने और इतने कलरफुल, ऐसा लग रहा है किसी और दुनिया में पहुँच गए हम लोग। तो ये यहाँ का मॉनेस्ट्री है फ्रेंड संजौली का। अंदर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैचू है बुद्धा का, और दलाई लामा का एक पिक्चर आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमने एंट्री की थी। गाइस देखिए, कितना अच्छा बड़ा सा मूर्ति है ये, गुरु रिंपोचे जी का। रिंपोचे जी ये कौन है वैसे? ये एक बहुत बड़े तंत्रयाना या वज्रयाना बोलते थे, बहुत बड़े लीडर थे, इनका नाम था पद्मसंभव। और यही बुद्धिज्म को तिब्बत में लेके गए थे, और वहीं से वज्रयाना बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी। गाइज, अभी हम मॉनेस्ट्री के आसपास के कंपाउंड को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। अभी हमने अंदर, आपने देखा अंदर का नज़ारा, तो हम लोग अभी वही देख रहे हैं। गाइज देखें, यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क जो है पेंटिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे सब जो मंक्स यहाँ पर हैं, हम पेंटिंग का काम कर रहे हैं। और यहाँ सामने पहाड़ का व्यू देखिए गाइस, संजौली का व्यू भी है, टोटली डिफरेंट ना, टोटली डिफरेंट। इतनी हाइट पे है ना, जहाँ से पैनोरामिक व्यू मिलता है यहाँ पे माउंटेन रेंजेस का। हाँ,
ये संजौली है, अभी मॉनेस्ट्री के बाहर के जो बाहर हुआ जगह है वहाँ से हम इसको ले रहे हैं। And it's totally worth it. ऐसा व्यू शिमला में मिलना। और ये वो मॉनेस्ट्री है, बाहर से आप देख सकते हैं पूरा इसका व्यू। यहाँ पर पेंटिंग का काम चल रहा है गाइस। गाइज अगर आपको ये ब्लैक डॉगी और ब्राउन डॉगी मॉनेस्ट्री के बाहर देखें तो आप इनसे 10 मील दूर रहना, क्योंकि ये दिखते फ्रेंडली हैं बट है नहीं, तो आपको केयरफुल रहना है इन दो डॉग से। तो फ्रेंड्स उस मॉनेस्ट्री में एक डॉग मैंने आपको दिखाया ब्लैक वाला जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन एक और डॉग था ब्राउन कलर का, वो बहुत ही खतरनाक था और मुझे ये बात पता नहीं थी, तो मैं वो खुद ही मेरे पास आया। मैं तो मुझे डॉग बहुत पसंद है, मैं डॉग लवर हूँ, तो मैंने थोड़ा सा उसको टच किया तो उसने दांत दिखाना शुरू कर दिया, तो इससे मुझे ये सीख मिला। वैसे मेरे पास पहले भी ये हो चुका है, तो इससे मुझे एक लेसन मिला कि कभी भी किसी डॉग को भले ही वो फ्रेंडली भी दिखता है तब भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तो वो तो अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं, उसने काटा नहीं मुझे, बट उसके दांत जो है बड़ी खतरनाक थे, मेरे को बहुत डर लग गया उससे। वैसे मैं डॉग से इतना नहीं डरती। सो अभी हम नीचे उतर रहे हैं फ्रेंड्स, और मेरे पैरों की हालत बहुत खराब है और मेरे पैर पूरे शिवर कर रहे हैं, मत पूछो क्या हालत है। अभी अभी और नीचे जा रहे हैं, हमें कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी करना है, तो एक कॉलेज भी है शायद, हम देखते हैं कि हम उसको कवर कर पाते हैं नहीं, तो हम फिर मिलते हैं। तो गाइज ये संजौली का मार्केट एरिया है, यहाँ पर बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं बहुत सारे मार्केट्स हैं यहाँ, शॉपिंग करने के लिए बेस्ट प्लेस है। गाइस अभी शाम हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है, इतने मार्केट्स हैं यहाँ पर, सब शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने भी ले लिया गाइस, मुझे भी ठंड के लिए दो पैंट चाहिए था, सस्ते में मिल गया मैंने ले लिया। अब जो बर्फ गिरने वाली हो, फिर बर्फबारी होगी तो फिर तो चाहिए होगा ना, इसलिए मैंने भी ले लिया यहाँ से दो पैंट। तो गाइज हम एंड में इस शॉप में आए, इसका नाम है मेगा स्वीट्स एंड बेकरी, यहाँ पर मिठाइयाँ और बहुत अच्छी बेकरी की चीज़ें मिलती हैं। मेरा सन जो है, मेरा बेटा, उसको बहुत पसंद आया, वो यहाँ बैठ के पेस्ट्री खा रहा जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ ज़रूर आना। गाइज यहाँ बस फैसिलिटी बहुत इनसफिशिएंट है, इतने यहाँ लोग हैं उस हिसाब से बस ही नहीं है। तो अभी हमें संजौली से हमने एक बस लिया तोलन के लिए, तोलन नाम है शायद। तो जब वहाँ हम गए तो वहाँ हमें बोला गया कि यहाँ से आपको महली के लिए बस मिल जाएगा, लेकिन जब हम वहाँ खड़े थे इतनी देर तक हमें कोई महली के लिए बस नहीं मिला, तो हमारे सामने बहुत सारा बस गया। पंतघाटी बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था, पर ठीक है हम फिर भी चढ़ गए, तीन बस तो ऐसे निकल गया था पंतघाटी के लिए, फिर लास्ट में हमें वहीं चढ़ना पड़ा। अभी हम पंतघाटी पहुंचे हैं गाइस, और अभी बस मिलने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा हमें, तो हम लोग चल के घर पहुंच रहे हैं। तो यही था हमारा सफर गाइस आज का, संजौली का, इतना इजी नहीं था ये सफर। सो गाइस इसी के साथ मैं ये वीडियो को अभी एंड कर रही हूँ, आज का जो जर्नी था गाइस, अगर सच बताऊँ तो मैं संजौली पहुँचने के टाइम ही बहुत थक चुकी थी, तब भी मुझे क्योंकि एक्सप्लोर तो करना ही है और आपको दिखाना भी है शिमला के बारे में क्या क्या यहाँ पर है, तो हमने कवर किया संजौली, इसको मिनी मॉल रोड भी कहा जाता है। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए मुझे, मैं ऐसी ही नई नई चीज़ें जहाँ भी मैं जाती हूँ, जो भी एक्सप्लोर करती हूँ, जितना भी मैं कवर कर पाती हूँ, मैं सब आपको अपने चैनल में दिखाऊंगी।
मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइस, और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। और मेरे एक इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ उसको आप प्लीज फॉलो करिए। और इसी के साथ मैं एंड कर रही हूँ वीडियो गाइस। अपना ध्यान रखिए, आप लोग सेफ रहिए। बाय बाय। गाइस, ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जाने का रास्ता है संजौली में। और देखिए क्या खूबसूरत नजारा है। ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया भी है, काफी लोग यहाँ पे रहते भी हैं। और वो देखिए एकदम टॉप पे हाइट पे, देखिए ये है मॉनेस्ट्री। और हमें अभी लगभग 200 मीटर और चल के जाना है।